आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल में रजनीस किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लाजवाब मुरमुरे की नमकीन, जो आप देख ही चुके हैं थंबनेल में। तो फ्रेंड्स, जो इस मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको और ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन भी दबाएं, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स सारे रख लिए हैं। तो यहाँ पे हमने लिए हैं, बड़ा बाउल हमने लिए हैं मुरमुरे, इसी के साथ करी पत्ता, मूंगफली एक कप, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, इसी के साथ काला नमक, आप सिंपल नमक भी ले सकते हैं, इसी के साथ हल्दी आधा चम्मच और बूंदी जो हम दही में डालते हैं। उसी के साथ हम लेंगे आधा चम्मच जीरा, और इसी के साथ हमें ज़रूरत है रिफाइंड ऑयल की। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी के साथ। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई ले लेनी है, उसको गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही गर्म हो जाएगी फिर हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल, जो कि 2 से 3 चम्मच है। फिर सबसे पहले हमने जो मूंगफली ली थी उसको हम फ्राई करेंगे। तो तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, फ्लेम रहेगी हमारी लो से मीडियम के बीच। तो इसको हमने रोस्ट करना है, और जैसे ही ये रोस्ट हो जाए फिर हम इसे एक बाउल में निकाल के रख लेंगे। तो अब जो तेल बाकी है वो भी गर्म हो गया है वापस से, फिर हम इसमें डालेंगे जीरा आधा चम्मच और करी पत्ता डालेंगे कुछ 10 से 12 पत्ते। तो अब हम इसको फ्राई होने देंगे करी पत्ते को। जैसे ही करी पत्ता फ्राई हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी जो कि आधा चम्मच है, और उसी के साथ मुरमुरे। तो थोड़ा सा मिक्स कर ले जिससे हल्दी जो है नीचे जले ना। फिर हम डाल देंगे बूंदी। तो अब हमने इसे लो फ्लेम में इसे हमने रोस्ट होने देना है, बूंदी और मुरमुरे को। फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो अब हमने इसे अच्छी तरह मिक्स करते रहना है, और इसे सिम आंच में हमने इसे रोस्ट होने देना है। तो चेक करने के लिए आप एक बार चेक करें, जैसे ही आप तोड़ेंगे तो इसमें से एक आवाज़ आएगी टूटने की। तो एक अच्छी सी आवाज़ आपको जब आएगी टूटने की तो उसका मतलब ये रोस्ट हो चुके हैं, पर हम अभी इसे 2 से 3 मिनट और रोस्ट करेंगे। इसी दौरान हम इसमें डाल देंगे काला नमक, आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा आमचूर भी डाल सकते हैं अगर आपको खट्टा चाहिए थोड़ा सा। तो अब ये अच्छी तरह रोस्ट हो गई है, फिर हम इसमें डाल देंगे बूंदी मूंगफली। तो अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, गैस भी बंद कर देंगे। इसी के साथ हमारी ये नमकीन बनके तैयार हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। आप इसे इकट्ठा बना के रख सकते हैं, ये काफ़ी लंबा चलती है, बस इसे एयर टाइट कंटेनर में आपने रखना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।